कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, जस्टिस कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट। बताइए कि आप किस महकमे से हैं और क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर मेरा नाम एजाज अहमद मलिक है सर। सर हम महकमे में नहीं है सर, बल्कि हमारा कोर्ट 2017 में 2014 में सिलेक्शन लिस्ट काश हुआ था वायरलेस ऑपरेटर कॉन्स्टेबल ऑपरेटर, जो कि रिफेम हो गया सर, जिसमें हम वेटिंग में फॉल हो गए सर, जबकि वेटिंग डिपार्टमेंट ने आधी उठाई थी सर। फिर हम डिपार्टमेंट के पास गए, हायर अथॉरिटी के पास गए सर, उन्होंने बोला कि हमने बोला उनको आपने 96 पोस्ट कैंसिल किया है, एबेंशो किया है, जबकि आपको पोस्ट नहीं करनी थी कैंसिल, आपको सिलेक्शन की कैंसिल करनी थी। तो उन्होंने बताया आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट से। फिर हम कोर्ट गए सर, उन्होंने जजमेंट दे दिया कि ऑपरेट वेटिंग लिस्ट आप कॉन्स्टेबल ऑपरेट दैट हैव रिमेंड अनफिल्ड ड्यू टू नॉन जनरल अब सिलेक्ट करें टिल डेट। कोर्ट ने उनको दिया था 7 वीक का टाइम, तो टिल 2017 से हम बस सफ़र कर रहे हैं सर। हमारी फैमिली है सर, हम शादीशुदा सर लड़के हैं, हमारी फैमिली सफ़र कर रहे हैं सर। हर बेरोज़गार है, पढ़े लिखे बेरोज़गार। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारा मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो जाए सर, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी बच जाए, हमारा मुस्तकबिल बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप कहते हैं आपके कहने के मुताबिक कोर्ट ने उनको 7 वीक्स सर, यस सर, यस सर, तो उसके बाद कोर्ट ने फिर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? आपको वो बोलते थे कोविड सर, कोविड से डिले हो गया सर, कोर्ट जाते थे सर, हमने ये कंटेम्प्ररी लगाया सर, वो 2 सितंबर में लगाए सर, अभी तक अभी बोल रहे हैं कोर्ट कोविड चल रहा है, डिले हो रहा है सर केस उनके को सर। तो आप क्या चाहते हैं? अब सब गवर्नर साहब से अपील करते हैं क्या वो इसमें इंटरवेंट करें इस मसले में, क्या हमारा फ्यूचर भी बच सकेगा सर।